अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डब्ल्यू आर एक्सपर्ट। मैं हूं वजीर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जब भी आप एक्सेल ओपन करते हैं या एमएस ऑफिस की कोई भी टूल ओपन करते हैं, वहां पर एमएस वर्ड हो या एक्सेल या पावर पॉइंट कोई भी हो, तो वहां पर अपडेट्स अवेलेबल का ऑप्शन लिखा हुआ आता है और इसके साथ एक पॉपअप सा बना हुआ जाता है और वो आपको अपडेट करने के लिए कहता है। और अगर आप उसको अपडेट नहीं करेंगे तो हर दफ़ा फाइल ओपन करने के बाद आपको पॉपअप दिखाई देगा, या तो फिर आप उसको अपडेट करें या उससे डिसेबल करें। तो अच्छा यही है कि आप उसको डिसेबल करें, क्योंकि मोस्टली लोग लाइसेंस वर्जन यूज़ नहीं करते। तो इसको परमानेंटली डिसेबल कैसे किया जाता है वो मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये किस तरीके का अपडेट आता है। तो देखें, यहाँ पर आ रहा है अपडेट्स अवेलेबल और यहाँ पर एक पॉपअप आ जाता है हमेशा अपडेट करने के लिए, और ये आपको एक्सेल में भी नज़र आता है। तो देखें, यहाँ पर आ रहा है अपडेट्स अवेलेबल और पावर पॉइंट में भी अपडेट्स अवेलेबल। और आप चाहते हैं कि इस तरह का पॉपअप आपको बार बार परेशान ना करे, तो आपको क्या करना है, तो आपको विंडो प्लस आर प्रेस करना है या स्टार्ट मेन्यू में रन लिखकर इंटर दबा सकते हैं। तो आप रन कमांड पर आ जाएंगे तो आपने यहाँ पर आर ई जी ई डी आई टी लिखकर ओके करना है। इसके बाद यहाँ नई विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आपने लोकल मशीन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको क्लिक करना है सॉफ्टवेयर पे, और सॉफ्टवेयर पर जाने के बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको देखेगा माइक्रोसॉफ्ट। हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगा ऑफिस। तो ऑफिस पे जाते हैं और ऑफिस के बाद आपको क्लिक टू रन करना है। उसके बाद आप अपडेट्स पर क्लिक करना है। जैसे आप अपडेट्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुलकर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन आपको जाना है अपडेट्स ब्लॉक टाइम। ये देखिए अपडेट्स ब्लॉक टाइम, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर एक डाटा लिखा हुआ आता है। इस डाटा का हमने क्या करना है, तो देखे इस डाटा को हमने हटाना है। जैसे हम इस डाटा को हटा कर ओके करते हैं, अब दोबारा हमें इस तरह का अपडेट वाला पॉपअप शो नहीं होगा। अब यहाँ से बैक जाएंगे, अब हम ओपन करते हैं। यहाँ टास्क बार में मैं टाइप करूँगा एमएस ऑफिस और यहाँ फिर एमएस वर्ड को सेलेक्ट करूँगा। और ये देखे, पहले यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा था, अब नहीं आ रहा। मैं कोई और भी ओपन करके देख लेता हूँ एक्सेल का टूल। तो देखें, यहाँ पर भी कोई पॉपअप नहीं आ रहा। तो अब आप इसके किसी भी टूल में अपडेट्स का ऑप्शन और पॉपअप शो नहीं होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।